फैमिली आईडी में गलत मीटर नंबर चढ़ रहा है, या फिर आपका बिजली का बिल जो हो ज्यादा दिखा के आपका आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम ज्यादा कर दी है, या फिर किसी और का मीटर नंबर चढ़ के उसका ज्यादा बिल आ रहा है, वो डिफॉल्टर है, तो इस वजह से जो है आपका बीपी राशन कार्ड नहीं बनाया है, आपका आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर आपका बीपी राशन कार्ड जो बनाया हुआ था वो कट गया है, तो पूरा सॉल्यूशन जो है बिल्कुल बारीकी से आराम से बैठ के बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस करके डिपार्टमेंट के चक्कर लगा के बिल्कुल आखिरी तक जो सॉल्यूशन है ना वो पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिल्कुल बारीकी से बैठ के वीडियो देख लेना, और मैं ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना रहा हूँ कि सिर्फ एक आदमी या दो आदमियों के लिए जो है ये वीडियो है, ये पूरे हरियाणा वर्ष के लिए वीडियो है, ताकि सभी भाई जो है आगे चलकर उनको फैमिली आईडी में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो, क्योंकि बहुत सारे हरियाणा में फैमिली आईडियों में किसी के गलत मीटर नंबर चढ़े हुए हैं, कल को अगर उनका बिल ज़्यादा आ गया 12,000 रुपये से ज़्यादा आ गया तो उसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली आईडी में वो मीटर नंबर जो है उसकी केवाईसी हुई है। तो कैसे इसका जो है हटवाना है, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट जो है ऐसी आई हुई थी, काफ़ी लोग ऐसे आए हैं मेरे पास हमारे सीएससी सेंटर पे कि सर हमारे जो है राशन कार्ड नहीं बन रहा है, या हमारा राशन कार्ड बन गया था वो राशन कार्ड कट गया है, और उसका जो कारण है वो है बिजली का बिल। तो कई भाइयों की आईडी में मैंने देखा किसी और का मीटर नंबर जो है उसकी केवाईसी उसकी फैमिली आईडी के अंदर हुई थी, तो उस वजह से जो है उनका बिल ज़्यादा आने की वजह से उनका राशन कार्ड कट गया था। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आई हुई थी, तो मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ एक भाई के साथ, मैंने पर्सनली जो है मैंने खुद डील की है, पूरा कंप्लीट कार्य जो हो उसका वो मैंने खुद अपने आप ही करवाया है, और ये सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए किया था, ये नहीं है कि मैंने उसको कोई खास लगाव था या खास हमदर्दी थी, क्योंकि पूरे हरियाणा से जो है ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियो मैंने देखी हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको उसकी फैमिली आईडी में चलकर आपको दिखाता हूँ कि उसका राशन कार्ड का जो स्टेटस है वो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, और वो आपको कैसे चेक करना है आप ये भी पूरा प्रोसेस देख लेना, और किस कारणवश उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया और कैसे हटाया, यो रीजन जो है जो रीजन दिखा रहा था एक्सक्लूजन रीजन कि आपका बिजली के बिल की वजह से जो आपका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, ये कंप्लीट जो है प्रोसेस मैं अभी आपको कंप्यूटर पर चल के एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको फैमिली आईडी की ऑफिशियल साइट जो ओपन करनी है, सिटीजन कॉर्नर में रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है इस पर आपको ओके करना है, ग्रीन कलर में यस का जो ऑप्शन है इस पर ओके कर दो, और फैमिली आईडी का नंबर पढ़ दो, फैमिली आईडी नोट जरूर कर लियो क्योंकि आगे चल के वाई फैमिली आईडी मिलेगी 9PTD, नंबर पर ओटीपी गया, ओटीपी और एंटर करना है, फैमिली आईडी जरूर याद रखियो 9PTD स्टार्टिंग में फैमिली आईडी का है, क्योंकि ग्रीवेंस लगा के जो है इसका सारा काम ठीक करवाएंगे, आगे चल के आपने को किसी और आईडी का दिखा दिया, आड लॉगिन हो गए, इंटर हो गए, इब आड़ा आप देख पा रहे हो राशन कार्ड करंट स्टेटस जो है वो नॉट एलिजिबल है, वो नीचे जो ग्रीन कलर का आपने एक्सक्लूजन दिखाई दे रहा है जो देख लो आप, इसकी इनकम भी कम है 50,000 रुपये जिन्हें दिखाई है, लेकिन अड़ा देख लो एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हो 12,000 रुपये तक ज़्यादा आया है यहाँ पे दिखाया गया है, और साइड में ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है यो है, हम ग्रीवेंस का ऑप्शन पर ओके करेंगे, अरे मीटर नंबर जो है वो दिखाया गया है, ये कैसे पता करें कि ये मीटर नंबर आपका है या किसी और का है, अगर किसी और का है तो किसका है, तो इस मीटर नंबर आप सिंपली जो है कॉपी कर लो, और कॉपी करके आपने जाना है दोबारा तो नया टैब खोल के दक्षिण हरियाणा या उत्तर हरियाणा की बिजली वितरण निगम की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर, और अड़े जैसे ही आप इसने ओपन करोगे अड़े कॉर्नर में पे योर बिल का जो ऑप्शन है आपने इस पर ओके करना है, फिर क्विक पे का जो ऑप्शन है इस पर ओके करना है, अड़े आपने वो नंबर जो पेस्ट कर देना है मीटर नंबर जो आपकी फैमिली आईडी में दिखाया गया था, अड़े आपने अपना मोबाइल नंबर भर दो या किसी और का मोबाइल नंबर भर दो, जैसे आप अड़े भरोगे भरने के बाद एक छोटा सा कैप्चा कोड है ईमेल में छोड़ दो, कैप्चा कोड भर के प्रोसीड पर ओके कर दो, प्रोसीड पर जैसे ही आप ओके करोगे ओके करते ही ये देखिए ये इस आदमी का नाम पर मीटर है और यो इस का छोरा है और इस गाँव का छोरा है हरियाणा तक है, और इसका बिल जो है 28,721 रुपया रहा है जो कि सर और न भुगतना पड़ रहा है। आपने सभी भाइयों ने देख लिया कि इसका जो है बिजली का बिल की वजह से जो है इसका नॉट एलिजिबल दिखा रहा था, और इसका बिजली का बिल भी आपने देख लिया काफ़ी सारा ज़्यादा आया हुआ है, और ये मीटर नंबर है इसकी फैमिली आईडी में इसके परिवार में किसी शख्स का नाम नहीं है, ये किसी और का ही मीटर नंबर है, दिमताना तेना फलाना बेफालतू मचड़ा रखा है। अब इसके लिए सॉल्यूशन यो है, सबसे पहले तो बिजली बोर्ड के पास चलते हैं, वहाँ पे जाके पता करते हैं
कि इसका क्या सोल्यूशन होगा और ये कैसे ठीक होगा। तो तावड़ा हवाई मोटरसाइकिल का अगले चल चल रहा। तो अभी हम जो है बाइक पे हैं और हमारे नज़दीक बिजली बोर्ड है, वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे दफ्तर में जाके यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है लोगों की, बहुत सारे लोग जो है फैमिली आईडी के कारण ही जो है यहाँ पे परेशान हैं और आपस में कई बार जो है डिस्कस भी कर रहे हैं। क्या क्या एप्लीकेशन लिखवा हुआ भाई? तो भाई बिजली दफ्तर में पहुँच लिए थे और बिजली दफ्तर में जाके जब बात करी तो किसी ने जवाब दिया आप हमने फैमिली आईडी नहीं बनाई, जित फैमिली आईडी बड़ी है या तो जाके आप उस सीएससी सेंटर पर पूछो, ये सीएससी सेंटर वाला मैं खुद हूँ, तो कोई सोल्यूशन है नहीं सीएससी सेंटर वाले के पास जिससे आपका जो है ये अटजा बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई एडीसी ऑफिस का नाम ले रहा था और कोई वीडियो ब्लॉग का नाम ले रहा था कि आप उसके पास जाओ, आप रिव्यू के पास जाओ, तो ये जो है एक्सक्यूज वहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन इसके बाद जो है दोबारा से गए हम अगले दिन, और अगले दिन जब हम दफ्तर में गए तो दफ्तर में जाने से पहले हमने जो है एक 15-20 मिनट लगी एक एप्लीकेशन तैयार करी एसडीओ साहब के नाम से कि सर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम आपका उत्तर है तो आप उत्तर कर लिए उसने, सर ऐसे ऐसे जो है हमारे जो फैमिली आईडी है उसके अंदर किसी और का मीटर नंबर चढ़ा हुआ है और जिसका बिल ज़्यादा आया हुआ है और उसकी वजह से जो है हमारा बीपी राशन कार्ड नहीं बन पाया और हम जो गवर्नमेंट की जो सुख सुविधाएं हैं जो स्कीमें हैं उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा करके हमने एक फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट लेके हम गए थे तो वहाँ पे काम जो है हमारा 100% हो गया, ठीक ठाक हो गया। और वो फॉर्मेट जो है अगर आपने भी चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जो है आपको वह PDF मिल जाएगी, आप उसको जैसा चाहो एडिट कर सकते हो, हम आपको ओरिजिनल PDF जो है प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें आप एडिट कर सकते हो अपने ज़िले का नाम, अपने गांव एक ब्लॉक जो भी है जिस जगह पर भी आपका ऑफिस हो बिजली बोर्ड का वहां पे आप कर सकते हो, और नाम का जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है, नाम का जो खाना है वो ब्लैंक है, आपके गाँव का नाम, फैमिली आईडी, फ़ोन नंबर जो भी आप वहाँ पर लिखना चाहो, छोटा सा फॉर्मेट है, सिंपल है, आप उसको भर के जो है अपने दफ्तर में जमा करा दोगे तो आपका काम भी हो जाएगा। और वहाँ पे छानबीन की जानकारी ली कि सर कैसे कैसे होगा सॉल्यूशन जो है, हमने वहाँ पे पत्थर लिख दिया है, पता किया है कि आपका जो KYC हुई है, आपके जो फैमिली आईडी मीटर से अटैच हुई है वो बिजली विभाग ने की है, और ये सब जानकारी उनको बताने के बाद जो है एक शख्स ने जो है उसका सॉल्यूशन दिया है, और सॉल्यूशन कराने के लिए कुछ नहीं बस मात्र ये लगा लो 1 मिनट लगी होगी, 1 मिनट भी पूरी नहीं लगी होगी, खाली उसको वो मीटर नंबर दिया कि ये जो मीटर नंबर है ये हमारा मीटर नंबर है और इसके पीछे जो मीटर नंबर हमने लिखा हुआ है ये हमारी फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ है और ये किसी और के नाम पे है तो ये हटा दो, उसकी KYC उन्होंने हटा दी। और KYC हटाने के बाद जो है दोबारा से हमारे जो मीटर नंबर है जो बिजली का बिल हमारा था वो उस नंबर की KYC हमने उसके अंदर करवा दी। ये कल हाँ अपनी दोबारा शॉप पर और शॉप पर जाके देखा हाँ कि जो मैंने आपको पहले फैमिली आईडी दिखाई थी जिसमें ये आया हुआ था कि नॉट एलिजिबल है और एक्सक्लूजन रीजन में आया हुआ है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का 12,000 रुपये से ज़्यादा है, वो ठीक होया है या नहीं होया है। अभी कुछ समय पहले ही हम ठीक करवा के आए हैं, बिजली बोर्ड से अपने जो CSE शॉप है वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट के बाद हम देखते हैं जाके कि हमारा ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, वापस आ गए हैं फैमिली आईडी की ऑफिशियल साइट पर, सिटीजन कॉर्नर का जो ऑप्शन है रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस पर अडोके करना है, यस करना है, फैमिली आईडी ना दाऊँ ध्यान देख लियो, चीज वीडियो ने बैक करके देख लियो, 9PTD वही आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, उसी नंबर पे OTP गया है, वापस करके देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो, सेम वही आईडी है ये जिसमें एक्सक्लूजन रीजन जो बिजली का बिल था वो दिखाया गया था, ये भी इसके अंदर OTP जो आने में थोड़ा बहुत समय लग सका है, तो OTP आन दिया, मैं इसका OTP भर के जो है आगे प्रोसीड करूँगा, आप पीछे करके फैमिली आईडी ने चेक कर सको हो कि वही फैमिली आईडी है जिसका मैं बिजली का बिल ज़्यादा दिखाया गया था, वो रीजन यहाँ पे हट चुका है मात्र 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर जो है ये बिजली बोर्ड में जाने के बाद इसका रीजन हट चुका है यहाँ से। अब आपको जो है ये OTP यहाँ पे प्राप्त हो गया है, अभी OTP मैं इसके अंदर इंटर कर देता हूँ और वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है अब नीचे देख पा रहे हो नॉट एलिजिबल है, लेकिन एक्सक्लूजन का जो ऑप्शन था बिजली का बिल का जो दिखाया गया था वो यहाँ से हट चुका है,
अब यहाँ पे कोई नहीं है, ये नियर बाय अंबेडकर जो एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस चेक कर सकते हो। पिछली बार जो मैंने वीडियो में दिखाया था, स्क्रीनशॉट में दिखाया था, वो सेम एड्रेस था। यहाँ पे एक्सक्लूजन रीजन हट चुका है और जल्द ही जो है इसका बीपी राशन कार्ड भी यहाँ पे नॉट एलिजिबल की जगह एलिजिबल शो होने लगेगा। अभी आपने देख लिया कि हमारी जो फैमिली आईडी है वो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तो नॉट एलिजिबल ही आ रहा है राशन कार्ड का उस स्टेटस में, लेकिन जल्द जो है यो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा रीजन हट चुका है तो हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा 15 दिन लगेगा 20 दिन लगेगा, हमारा राशन कार्ड के लिए जो है स्टेटस यहाँ पे एलिजिबल आ जाएगा। और जैसे यो एलिजिबल आओगा, एलिजिबल आते ही हमारा राशन कार्ड भी बन जाएगा और हमारा राशन जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और इसके कुछ समय बाद जो है, अभी कुछ समय बाद जो है इसका आयुष्मान कार्ड खातर भी एलिजिबिलिटी पर यस आ जाएगा और इसका आयुष्मान कार्ड भी बन पाऊगा। अगर आपने जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो ने एक लाइक कर लियो और सारे भाइयों द्वारा वीडियो ने जरूर से जरूर शेयर कर लियो, ताकि किसी और भाई की जो है मदद हो सके।